हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम ओ की मात्रा को सीखेंगे और उसके साउंड के बारे में जानेंगे कि ओ की मात्रा का साउंड जो है वो कैसा होता है और लेटर्स पर लगाने के बाद कैसा निकलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी ओ की मात्रा। ओके बच्चों, तो देखिए ये क्या बना हुआ है, ओ। अब देखिए ये ओ है, तो ओ का जो साउंड है मात्रा का वो भी हमारा ओ करके ही निकलेगा। हम जिस भी लेटर पे इस वाली मात्रा को लगाएंगे, मतलब ओ की मात्रा को लगाएंगे, तो उसका जो साउंड है वो भी ओ करके ही निकलेगा। ओके, अब आपको इसके साउंड को पहचानना है कि जब हम लेटर्स पर साउंड लगाएंगे, मतलब ओ की मात्रा लगाएंगे, तो इसका साउंड किस तरह से निकलेगा। ओके, तो चलिए अब हम इसको रीड करते हैं और देखते हैं इसका साउंड कैसा होता है। ये क्या है, क, और इसको क्या बोलते हैं, ओ। अब हम का के साथ ओ को मिक्स करेंगे, तो देखिए इसका साउंड क्या हो जाएगा, कू। अभी क्या है, ख। खा के साथ ओ को मिक्स करो तो क्या बोलेंगे, खू कू खू। अब दोनों का साउंड अलग अलग है ना, तो याद रखिएगा जब आपको डिक्टेशन बोली जाती है तो आपको लेटर्स पर भी ध्यान देना है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। ये क्या है, ग। अब गा से गा के नीचे हम ओ की मात्रा को लगाएंगे, मतलब ओ की मात्रा को लगाएंगे, तो उसका साउंड क्या हो जाएगा, गू कू खू गू। अब नेक्स्ट है च। अब च के साथ बोलो, च के साथ ये क्या है, च के बाद में ओ की मात्रा। अब च के नीचे हम, मतलब च के नीचे हम ओ की मात्रा को लगाएंगे, तो इसका साउंड क्या हो जाएगा, चू। ये क्या है, कू। क्या बोलते हैं, कू खू गू चू। अभी क्या है, ज। ज के नीचे क्या है, ओ की मात्रा, तो इसको क्या बोलेंगे, जू। अभी क्या है, छ। ये क्या है, ओ की मात्रा, तो ये क्या हो जाए, छू, है ना। तो ये हो गया कू खू गू चू। ये क्या है, छू। ये क्या है, जू। अब आपको ये लेटर समझ में आ गए ना, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो ये क्या लिखा है, ठ। ठ के बाद ये क्या है, ओ। अब हम ठ के साथ ओ को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ठो। अब इसी तरह से इसको बोलेंगे ड। अब ड के बाद हम, मतलब नीचे ओ की मात्रा लगाएंगे, तो इसका साउंड क्या हो जाएगा, डू ठू डू। अब इसको बोलो त, और ये क्या है, ओ। अब दोनों को मिक्स करो तो इसका साउंड क्या होगा, तू। ये क्या है, थ, और ये ओ। अब हम इसको मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका साउंड, थू। और ये क्या है, ट, और ये ओ। और इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इसका साउंड क्या होगा, टू। क्या है ये, टू, और इसको थू टू डू ठू। अब आपको समझ में आ गया ना ओ की मात्रा का साउंड, तो आपको भी इसी तरह से ओ की मात्रा के साउंड को पहचानना है और इस एक्सरसाइज को अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, तो चलिए अब आप इस एक्सरसाइज को अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखिए और ओ की मात्रा की प्रैक्टिस करिए। बाय बाय।